तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के जो फैक्टर्स हैं उनका सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इंटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तरीका क्या रहेगा, तो पहले आप 30 का फैक्टर्स कर लीजिए। तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 6 = 30। फिर और इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, तो 5 × 3 × 2। कुछ इस तरीके से आपको फैक्टर्स निकालने हैं कि यहाँ पर केवल और केवल प्राइम नंबर्स बचे, ठीक है। और इसको किसी भी बड़े नंबर्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1। अब आप क्या करिए, 2 से स्टार्ट करिए, तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 कहाँ तक गया है, 2 की पावर 1 तक गया। अगर 2 पावर 2 तक गया होता है तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 भी हो जाता। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, + 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1 है। अगर 3 तक होती पावर तो 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 भी आया। इसी तरीके से 5 की पावर 1 है तो आ जाएगा 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। इसको आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको देखेंगे 4 हो जाएगा, इसको देखेंगे 6 हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12 = 72। तो जो फैक्टर्स होंगे उनका सम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ, किसका फैक्टर्स बताना है आपको। मान लीजिए आपसे कहा गया 60 का फैक्टर बताना है, ठीक है। तो 60